वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूँ एना और मैं हूँ दिशा। तो रमजान मुबारक टू यू ऑल गाइस। और आज है पहला रोजा, बहुत अच्छी खुशी हो रही है। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा ही मजा आता है रमजान में। क्या पहली बात है, आप पूरे 30 डेज अल्लाह ताला की इबादत करते हो और रोजे रखते हो अल्लाह ताला के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे बहुत मजा आता है रात में जागने में सेहत तक, लेकिन अच्छा खाना भी मिलता है। हाँ पेपर है सेहत तक, तो हमें आप लोग वादा करें कि सेहत तक बढ़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि अपनी अपनी सेहतें बर्बाद नहीं कर रहे मानते तुम लोग अपने टाइम से पढ़ो, अपने टाइम से रोजे रखो सब। और ना हमने कल रात में ना क्लिप्स बनाई थी कुछ सहरी की, और ना हमने इंट्रो नहीं बनाया था, हम भूल गए थे और हम हार भी गए थे, तो हमने वो भी क्लिप्स बनाई। तो आप देख कर आए वो, फिर उसके बाद आप आगे वाली क्लिप्स देखेंगे। और अभी तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि हम पहली पहली अफ्तार करें। कल है पहला रोजा, तो मतलब आज हमें करनी है सहरी, और हम लोगों का बहुत सारा सामान रह गया लाना। देखें जरा, मतलब जो अफ्तारी में जरूरत है वो सामान थोड़ा सा रह गया है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से, तो सुपरमार्केट जाके आपको भी व्लॉग दिखाते हैं कैसा। हाँ, और हम अभी जा रहे हैं वो सारे सामान लेने। तो अभी आज रात को हमें सहरी करनी है, और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ रोजे के लिए। रमजान में बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती है यार। काश हमें मक्का मदीना जाना। मम्मी अभी पहुंचे हैं गाइस, और दीपू का मूड खराब हो गया है। मैं वक्त का मूड खराब हो जाता है, क्या करूँ, बस इसको लड़वा लो। नहीं करो सब दीदी, मैंने इतना सारा सामान ले लिया है। यहाँ कैसा फील हो रहा है आपको? यहाँ पे माँ बाप हो गए हमारे, वन लाइक टू वो फाइंड मम्मा पापा प्लीज वन लाइक। मम्मा पापा पता नहीं कहाँ से लेकर मिल ही नहीं रहे हैं। गाइस यहाँ पे मिल रहे हैं सोने के नूडल्स, ये रहा एक पैकेट सोने के गाइस, ये 350 का एक पैकेट है। ओह माय गॉड, रमजान है रमजान, शैतान मनी में शैतान। हाँ हाँ भाई देखो, शैतान ने वाले सारे काम हो गए यहाँ पे कर दिया। तो 50 रुपए भी दाम है तुम्हारे पास, तो है ही नहीं 50। मेरे पास है, किसने बोला नहीं है। ओ भाई गाइस कोई वन साइड कॉल, सब अम्मा की रमजान की शॉपिंग हो गई है, और ना इसकी अपनी अलग शॉपिंग चल रही है। A few moments later. हेलो, तो मैं आ चुकी थी वहाँ से, पर वहाँ से आके व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि हमें आते आते ही 1 बज गए थे। शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला कब 1 बज गया, और फिर हम 1 बजे वापस आए। उसके बाद बहुत थकावट हो चुकी थी, तो फिर व्लॉग नहीं बना पाए, व्लॉग के क्लिप्स में नहीं बना पाई, क्योंकि थकावट हो गई थी, तो मैं रेस्ट करने लग गई उसके बाद। पर मैं सो नहीं पाई, क्योंकि पहला रोज़ा है, पहली अफ्तारी, पहली सहरी होगी, तो एक एक्साइटमेंट होती है रमज़ान के लिए ना बंदे के दिल में, तो वो ही होती है जिसकी वजह से नींद भी नहीं आ पाती। तो मैं सो भी नहीं पाई, मैं ही नहीं, सिर्फ मेरे घर में कोई भी नहीं सोया, तो हम सब जाग ही रहे थे, पर बहुत थक गए थे, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मम्मा मेरी सहरी बना रही हैं, और हम सब करेंगे, खाएंगे, फिर सोएंगे मुझे ऐसे, क्योंकि बहुत नींद नहीं आ रही, बस थकावट है थोड़ी। तो लेट्स सी, और आई होप कि कल का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, और पहला रोज़ा है कल, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है मुझे। यहाँ पे मम्मा मेरी पराठे बना रही थी, और ये उनके पराठे भी रेडी हो रहे हैं। और गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन का हर वक्त मूड बर्बाद रहता है, तो उसके साथ अभी भी यही चल रहा है, अभी भी उसको चैन नहीं मिल रहा है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो, अरे गोलू तुम भी उठे हुए हो, तुम क्यों नहीं सोए हो? मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपना ओजी ड्रिंक, जो मैंने आपको पिछले साल के व्लॉग में भी बताया था, तो मैंने अपना ले लिया है वही वाला जग जो पहले भी व्लॉग में था, ओजी इनकी तरह ओजी। और आज मैंने आपको ये दिया है, ठीक है? अच्छा इसमें बनाऊं? छोटा मटका लिया। अच्छा छोटा मटके में बनेगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड इसमें बनेगा। अरे आ गया हमारा रूहे अफ़ज़ा, रूहे अफ़ज़ा ये रूहे निकालता है इस। तो गाइस पहले मैं यहाँ अपना ये रूहे अफ़ज़ा को खोलूंगी। अरे खुल जा। तो ये अनबॉक्सिंग हो गई है इस रूहे अफ़ज़ा की, अब ये जाएगा मीठा मीठा मिठास वाला इसमें। यार ये तो देखो इतना इनोवेटिव आइडिया, ये किसका था? हाँ ये तुम्हारा था क्या, इतना अच्छा आइडिया? हाँ ये मेरा ही था, मैंने जमाया। वाह भाई वाह वाह वाह। मैं जो है ना सहरी वहरी करके फिर बाद में आप लोगों से मिलूंगी, और नमाज वगैरह सब पढ़ के डन करके सब
और ये मैडम जी जो है ना खा पी भी चुकी हैं और फिर आ रही हैं सब खा पी। The next day. वालेकुम गाइस, सुबह हो गई है और मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। और ये हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा है और अल्लाह ताला सबके रोजे कामयाब करे और अच्छे अच्छे रोजे रखे सब और सबके रोजे कबूल करे, आमीन। और सबकी बहुत 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 अच्छे रमजान जाए और ईद भी जाए। तो अभी तो मैं सो के उठी थी, तो अभी देखते हैं किचन में भाई क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और है ना मैडम, तो बस वो तो है ही, वो अभी अभी उठी है, वो मैं अभी नहीं उठी, मुझे काफ़ी देर हो गई उठे हुए, लेकिन वो अभी उठी है, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है रमजान में, कुछ होते हैं लोग। अभी देखते हैं कि किचन में क्या क्या हुई तैयारियाँ हुई हैं। तो लेट्स गो। तो भाई अभी एक जगह जो है यहाँ छोले बन रहे हैं और इसमें क्या है मम्मा, आलू बॉयल हो रहा है, इसमें आलू बॉयल हो रहा है और यहाँ पे दही भरे की वो है और मम्मा ये किसके लिए, या आलू के पकौड़े के लिए। बस इतना ही खाते हैं, हमारे घर में कोई ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाता है। तो गाइस क्या कहते हैं, अभी जो है किचन में मतलब थोड़ा सा ही काम रह गया है और भाई हमारे मम्मा तो बोलिए जल्दी जल्दी काम कर से मिलोगे, हम बाहर रख दो, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। और अभी यहाँ पे छोले जो है रेडी नहीं है और मतलब बस हो गए, लेकिन इस पर वो रह गई है और ये अभी आलू का पेस्ट है और वो है ना, है ना, है ना, कहाँ है ये देखे ये मासी बने भी मासी तो अभी नहीं समोसे बनाएगी। और अभी देखते हैं हमारी और कितनी प्रिपरेशन हुई है। अभी ये आलू कटे हैं ऐसा उसके किसके पकौड़े के, और मम्मा आप मुझे शरबत बता दो, मैं बता बना लूँ। अभी इसमें चीनी नहीं हुई, अभी ये करते हैं भाई जल्दी से। जल्दी से बनाओ, मम्मा मांग रही है जल्दी से। हाँ मम्मा आप काम बताओ क्या करना है भाई मुझे। अभी यहाँ पे हमारे जो है वो हो गए, अभी अफ्तार लगाते हैं और हमारे यहाँ ये भी डन हो गया। और अभी यहाँ पे बस अभी ये मम्मा जो है ना तलेंगे यार जल्दी से, अभी भाई टाइम बहुत कम रहेगा, जल्दी से काम करते हैं। रोजे का टाइम मिलेंगे, सही का टाइम नहीं है हमारे पास। दीदी तुमने खजूर निकाल ली? हाँ निकाल लिया मैं गिलास। जो काम नहीं भी करता है ना वो रमजान में तो वाकई गर्मी होती है वो तो बस करती है, लड़कियाँ लग जाती है उनको, बस चाहिए कि वो बस काम हो जाएगा पूरा और ठीक से काम करते। और गाइस बाबा ने जो है ना आहत को डांट दिया था कि बाहर पतंगे उड़ा रहे हैं, क्या कर रहा है बाहर, रोजा है और तो ये नाराज होकर बैठ गया है इधर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो उधर, बोलो आओ चलो अफ्तारी करो और जाओ। रोजा वोजा खोल लिया और अब चाय की बारी है, ठीक है चाय भी चाय पकड़ो, बस फौरन खाया गुस्सा बस लेके बैठ गई है, इनको होश वोश नहीं होता है, तो जल्दी से चाय पीते हैं। और यही था आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अभी मज़ीद अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसका भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत 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 मज़े के कंटेंट आने वाले हैं। तो बस जब तक आप लोग हैं ना हमारे साथ अच्छे अच्छे आते रहेंगे हम लोग, तो बाय बाय। और बहुत मज़ा आया आज के दिन, बहुत अच्छा गया हम लोगों का सबका रोज़ा माशाल्लाह, बाय बाय।